ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है, जो अपने मां से मां के पेट से पैदा होने में किन नहीं करता, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। क्या विडंबना है, आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले आप बताओ, किसी को मां के, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंगे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? ब्राह्मण स्वयंभू है और कैसा स्वयंभू है, जो अपने मां से मां के पेट से पैदा होने में किन नहीं करता, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। क्या विडंबना है, आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा क्या आपने? हरदोई वाले आप बताओ, किसी को मां के, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा? किसी किसी को हाथ से छतरी पैदा करते देखा? किसी को जंगे से बैल समाज को पैदा होते देखा? किसी को पैर से पैदा होते देखा? नहीं, तो पैदा तो जो भी होता है वो अपनी मां के पेट से पैदा होता है, और अपनी मां के पेट से पैदा होता है वो चाहे भारत हो, लंका हो, चीन हो, थाईलैंड हो, जापान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, रूस हो, या कोई भी देश हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर जगह मां के पेट से ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन यहां के ढोंगी और पाखंडी लोग अलग नियम बना देते हैं, कहते हैं कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई बाहू से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे।